दो मिनट नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रखा है, इफ 10a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90, ठीक है। हमें क्या बोल रखा है कि जो 10a है वो 10 cot b के इक्वल है, ठीक है, मतलब जो 10a है वो cot b के इक्वल है। और हमें क्या बोल रखा है कि जो a है प्लस जो b है वो हमें वो 90 डिग्री के इक्वल हमें प्रूव करना है, मतलब जो a b है वो 90 डिग्री के इक्वल हमें प्रूव करना है, और हमें 10a इक्वल टू cot b इक्वल दे रखा है, ओके। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए गाइस हमें क्या करना होगा कि जो इक्वल टू के जो इधर वाली वैल्यू है और इक्वल टू के जो इधर वाली वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखो, हम कैसे बनाते हैं। 10a है ना, 10a को तो ऐसे कैसे रहने दो, 10a, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कैसे रहने दिया। अब हम क्या करेंगे इक्वल टू, तो गाइस जो cot b है इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा देखो मैं बताता हूँ आपको। cot b में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cot a इक्वल्स टू 10 90 माइनस a, cot a इक्वल्स टू 10 90 माइनस a। गाइस ये फॉर्मूला आपको आपने देखा होगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस a इक्वल्स टू 10 90 सॉरी cot a इक्वल्स टू 10 90 माइनस a, ये फॉर्मूला है। इसमें देखो गाइस cot a है ना, तो हम a की जगह रिप्लेस करके b कर देते हैं। अगर हम a की जगह रिप्लेस करके b करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cot b इक्वल्स टू 10 90 माइनस b, ठीक है। cot b इक्वल्स टू 10 90 माइनस b, हमारे पास एक ही फॉर्मूला बन जाएगा। हमारे पास रियल फॉर्मूला ये है, लेकिन हमने a की जगह रिप्लेस करके b लगा दिया, ठीक है। तो गाइस देखो ये चीज और ये चीज इक्वल है, सो मैं cot b की जगह 10 90 माइनस b लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 10 90 माइनस b, ठीक है, 10 90 माइनस b ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो गाइस, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो 10 से 10 हम कैंसिल कर देंगे। इसमें भी गाइस हमने वही करना है, कट नहीं करना, सिर्फ माइंड में सोचना है कि हमने कट कर दिया, ठीक है। 10 से 10 अगर यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a इक्वल्स टू 90 माइनस b, ठीक है, a इक्वल्स टू 90 माइनस b हमारे पास ये बचेगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो b है इसको हम इक्वल टू के इधर लेके आ जाएंगे, इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, बस हमने यही तो प्रूफ करना था। हो गया गाइस क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस cot b को चेंज करो 10 90 माइनस b में, 10 से 10 को काटो, a इक्वल्स टू 90 माइनस b आ जाएगा, b को लेके जाओ, a प्लस b इक्वल्स टू 90 माइनस b, a प्लस b इक्वल्स टू 90 आ जाएगा, और हमारा हेंस प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है गाइस। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा था दो मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, आई थिंक 3 मिनट हो गया, ओके। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में।